देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने संवाद में कहते नजर आते हैं कि प्रदेश को हड़ताल राज्य नहीं बनने देना है, ऐसा सरकार को कतई मंजूर नहीं है, पर प्रदेश के असल हालात कुछ और ही है। आपको बता दें कि देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति से जुड़े ठेकेदार सरकार के लामबंद नजर आ रहे हैं, कभी धरनों तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, पर पिछले साल अगस्त माह से ठेकेदारों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ठेकेदारों को अपनी समस्याओं के हाल के नाम पर अभी तक मिला है तो सिर्फ आश्वासन, जिसके चलते ठेकेदारों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक बड़ी तादाद में 30 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास कूच करने वाले हैं। आपको बता दें कि ठेकेदारों की मुख्य मांगों में से एक मांग यह भी है कि ठेकेदार चाहते हैं कि 5 करोड़ तक के बड़े टेंडरों को सरकार छोटे छोटे टेंडरों के रूप में करे, ताकि प्रदेश के छोटे ठेकेदारों को काम मिल सके। उत्तराखंड के देहरादून से क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जितने भी नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश, सारे प्रदेश से सारे अध्यक्ष आए हैं। आज हमने प्रेस वार्ता इसलिए की है कि जो हमारे साथ पिछली बार जो हमारी 10 बिंदुओं पे सहमति सरकार के द्वारा की गई थी, उसमें सरकार ने हमारे एक भी बिंदु पे कोई बात नहीं मानी अभी तक। और हमारे प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पीड़ा आज ये हो गई ठेकेदारों के, उत्तराखंड के ठेकेदारों के लिए, कि जितने भी बड़े काम लगाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, हमारी मांग है कि उनको छोटा किया जाए। और एक तरफ सरकार कहती है कि हम उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देंगे, छोटे छोटे मतलब स्थानीय लोगों को काम देंगे, लेकिन सारे अभी तक जितने भी काम लगाए गए हैं सारे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े काम लगाए गए, जिससे हमारे पूरे प्रदेश के ठेकेदार बेरोजगार हो गए हैं और बहुत भूखमरी की कागार पे हैं। क्योंकि हमारा पिछला जो भुगतान है, हमने आपको देखा होगा कि हमने बहुत लंबे समय तक ये आंदोलन किया था सरकार को कि भाई हमारा पुराना भुगतान भी दिया जाए, लेकिन आज तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ। और उल्टा प्रदेश के जितने भी छोटे ठेकेदार हैं सबको जो है बाहर करने का सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई बड़े काम लगा लेंगे, बाहर की कंपनियां आएगी, छोटे ठेकेदार को कोई रोजगार नहीं मिलेगा। हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उनके साथ पेटी पे काम करेंगे, और क्योंकि हमने अपने अगर परिवार पालना है तो मजबूरी की हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा, जो उनका रेट होगा उस पे काम करना पड़ेगा। तो आज हमारे पूरे प्रदेश के ठेकेदारों ने निर्णय लिया है कि हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सरकार की जो नीति है कि उत्तराखंड के जो ठेकेदार हैं, हमारे पास ठेकेदारी के अलावा कोई व्यवसाय नहीं है। आज उत्तराखंड में अंदर सबसे बड़ा जो है अगर रोजगार है तो वो ठेकेदारी है, उसको भी जो सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है।